उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। 16 अगस्त को करीमनगर जिले में लोकसभा में पूनम अन्ना के साथ मैं पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक पद यात्रा में था, और उस पद यात्रा में चलते चलते बीच बीच में जो गांव आ रहे थे छोटे छोटे यात्रा रेंडो फेज इकड़ी पार्टी मुख्य दयचे गमन मुदे इक एलक्षन काबटे इकड़ उड़े नायक सहकार अटे सपोज इन संगारे जिलेको लेकिन आवरूर मुस्ताबाद रोड का प्रती ग्राम पादयात्री कार्यक्रम रूप सदर्भ में को कल प्रति ग्राम ग्रमा कांग्रेस पार्टी पक्षा रेडो फेज लोकसभा मुफे मंडला मुनपालिटी तो पादयात्रे कार्यक्रम दिन खचिंग मंडल ईद रोज आर रोज अड़को ग्राम ग्राम पादयात्रे कार्यक्रम कार्यकर्ता धैर्य रावच्छू प्रजा समस्या मन प्रजा अंदा उन्मने विश्वास सदर्भ में मन रेडो अंश एलक्षन संबंधी कमटी गिमटी का मंडल में उड़बड़े मंडल मुख्युंता कमटी का एर्पड़ अभ्यर्थु एवर पोटे बहुत सेलैक्ट कलेक्टर द्वारा एंपी दाखी पार्टी नायकत् तरफ अन्नी रखा सहकार अच्छे बाध्यता अभ्यर्थ एंपिक प्रक्रिया स्थानिक सदर्भ में को दिन तरह इकड़ा रोहित चौधरी साहब के नोटिस में लाना चाहता हूँ। यहाँ पहले मैंने आपको बताया यहाँ केटीआर सिलसिला केटीआर का बेटा मंत्री है, कोई राज चलाता है इधर तो यहाँ लोग इतने दबाव के बाद इतने परचेज के बाद इतने एफआईआर दाखिल करने के बाद राउडी शीट करने के बाद भी जो बचे हैं उन लोगों को तो हम जबरदस्त ताली बजा के फिर उन लोगों को फिर एक बार फिर और इतना उत्तीर्ण तरह कार्यक्रम चेता अंदर मरकसारी ना तरफ अभिनंदन दृष्टि दीकर्भ में सिरसिला टेक्सटाइल सिटी है, यहाँ गवर्नमेंट आने के बाद ये लोग कुछ भी नहीं करें। पहले जब अपन सरकार में था अपग्रेडेशन के लिए और यहाँ सिलसिला टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए अपना टेक्सटाइल मिनिस्टर को यहाँ लाके यूनियन मिनिस्टर को लाके बहुत सारे काम करे वो पूरा यहीं रोक के है। और उसके अलावा अपर मानर का एक नाइन्थ प्रोजेक्ट है, इरीगेशन प्रोजेक्ट है, उसके बाद का प्रोजेक्ट जो केसीआर रिप्रेजेंट करता है 10, 11, 12 पूरा हुआ, 9वां प्रोजेक्ट यहीं पेंडिंग है। और यहाँ टेम्पल के लिए हर साल 100 करोड़ देने के लिए, क्योंकि केसीआर का शादी भी वाइन हुआ, वादा कि हम 100 करोड़ हर साल देंगे पर 1 रुपये तक नहीं दिया। और मिडमानर का जो प्रोजेक्ट हम जाते वक्त आप देखेंगे वहाँ 13-14 गांव डूब गए, उन लोगों तक अभी तक चालू नहीं किया, उन्हें खुद वही मिडमानर टेम्पल में 5 रात अनाउंस किया तो अभी तक अमल नहीं हुआ। ऐसे सब चीजें आप इसके ऊपर पार्टी की तरफ से हम सब लोग लड़ रहे और आप भी इसमें आवाज उठाए तो स्टेट लेवल में इसके ऊपर दबाव आएगा। और जो कांग्रेस पार्टी का लोग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सेल्स के लिए भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं स्टेट लेवल में चार्ट फिक्स करिए, उसको प्रोग्राम बनाइए, सिर्फ पोजिशन लेके बैठने के लिए नहीं है, सिर्फ कांग्रेस काम करने से नहीं होगा, फ्रंटल एंड सेल्स भी गाँव गाँव तक अगर पहुंचे वो लोग सब लोगों की यही इच्छा था, यही बता रहे थे सब लोग, तो उसके ऊपर भी आप एक बार स्टेट लेवल में रिव्यू करके हर गांव में फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पहुंचने के एक प्रोग्राम बनाइए, उससे भी अच्छा रहेगा। ये बात मैं आपसे कहते हूँ, बहुत देर हो गया, बहुत सारी चीजें और आपस में आपसे फिर एक बार बात करेंगे, ऐसा नहीं है। एस एस के इलेक्शन भी है, हम तो पहले ही बोल रहे एस एस के इलेक्शन में वहाँ लोकल के मंडल में कैंडिडेट को भी सेलेक्ट एलेक्ट करो, पार्टी की तरफ से जो भी मदद चाहना चाहिए हम करेंगे, और कैंडिडेट की सिलेक्शन सब मंडल का लीडर बैठ के कौन अच्छा रहेगा आप लोग ही तय करने के लिए हमने रिक्वेस्ट करें सर। और चलो दिल्ली के लिए जितने भी बहुत दूर है हम तेलंगाना जितने भी इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को लेके आने की हम कोशिश करेंगे, और PCC लेवल कोई स्पेशल ट्रेन भी अरेंज करे तो हमारा जिला भी कोटा अलर्ट करो सर, यहाँ
यहाँ लोकल में 1.5-10 हज़ार खर्च करके आने के लिए बहुत तकलीफ होता है, और प्रदेश लेवल में कुछ आप अगर आर्गनाइज करें सिरसिला जिला और करीमनगर जिला सबके लिए थोड़े लोगों के लिए जगह दिए तो यहाँ लोग जो दिलचस्पी है वो लोग आ सकते हैं, ये बात भी आपसे कहते हुए। फिर पब्लिक इश्यूज बहुत है, पब्लिक इश्यूज के साथ हम हमेशा लड़ते आ रहे और आगे भी लड़े रहेंगे, पब्लिक के साथ कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये बात कहते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जो ये सिरसिला राजन्ना जिला को आप संबोधित करें। नमस्ते। राजन्ना सिरसिला नहीं आना था, मुझे खम्मम जाना था, लेकिन किस्मत कभी कभी कैसा रोल निभाती है कि खम्मम का प्रोग्राम रिशेड्यूल हो गया और मुझे पीसीसी ने बोला कि पहले आप राजन्ना सिरसिला चले जाइए। यहाँ पे आने के बाद मुझे इस बात को जान के खुशी हुई कि केसीआर की सरकार में मंत्री केसीआर का बेटा आपका एमएलए है, और इतने जुल्म सितम ढाने के बाद भी मेरे कांग्रेस के साथी यहाँ पे मौजूद है। मैं एआईसीसी की ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे साथी मंत्री जी के साथ आज भी इस कांग्रेस का झंडा उठा के आप यहाँ पे चल रहे हैं। वाकई में तहे दिल से आपका